स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ऑनलाइन तैयारी, जहां पर हम आपको कराते हैं सारे एग्जाम्स की ऑनलाइन तैयारी। सो यस, और आप सबको बताया गया था कल के सेशन में बैंक 20 ये कूपन कोड आप अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आप बैंक एग्जाम्स के लिए 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट, जिनको नहीं पता उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और आप खुद भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम idioms and phrases की, important idioms and phrases जो आपको IBPS clerk के exam में 2018 help करेंगे। कुछ idioms previous year के भी हैं जो कि आपको पिछले कुछ साल में पूछे गए 2016-17। कुछ ऐसे idioms हैं जो नए हैं और आपको practice करने चाहिए, जो एक्चुअली आर्टिकल्स में यूज हो रहे हैं आजकल और आपको पता होना अनिवार्य है, वो इडियम्स भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो यस, गेट रेडी, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। दो पैटर्न्स भी मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको दो पैटर्न्स बताऊंगी किस तरह से इडियम्स और फ्रेजेस पर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आई होप सौरभ, रामनाथ, सुमन, सुधा, साक्षी, सुशांत, एवरीवन इज हियर, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन जो रेगुलरली सेशन अटेंड कर रहे हैं, हर बारी आंसर्स देते हो आप सब क्वेश्चंस के, जीएस गुरु, एवरीवन शुड बी हियर। और आप सब ध्यान से देखिए, idioms and phrases भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव अहेड। देखो दो तरह के पैटर्न, तो पैटर्न नंबर वन और पैटर्न नंबर टू, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंक के एग्जाम में। अब जैसे कि मुझे कहा था, वैसे ही मैंने आपको दोनों पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स देखो, एक है कि आपको डायरेक्ट इडियम लिख के आ जाएगा और आपको उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्यों? अगर तो आपको इस एग्जैक्ट स्ट्रेट आपको इडियम का मीनिंग पता है, आप आंसर ले सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट अप इडियम का मतलब नहीं पता, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो जरूरी है कि आपको एक्चुअली स्ट्रेट अप उस इडियम का मतलब पता हो, ठीक है ना। अब यहां पर हमें इडियम्स के मतलब पता होने बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो दूसरा पैटर्न है वो ये है कि आपको एक सेंटेंस में वहां पर इडियम लिखकर आएगा और वो जो इडियम लिखकर आएगा आपको उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सेंटेंस पढ़ के आपको उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा, और जैसे ही आप मीनिंग अंडरस्टैंड करोगे आप वहां पर अपना आंसर दे सकते हो, राइट? तो ये थोड़ा सा इजियर अप्रोच इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपके पास सेंटेंस है पढ़ने के लिए, आप सेंटेंस को पढ़ के वहां पर आंसर उसका ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? अब अगर मैं आपसे कहूं स्टिक वन्स नेक आउट, अगर आपने ये इडियम कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा। टू टेक रिस्क कंप्लीटली, टू बी क्रिंज, टू बी वायलेंट, अब बताओ क्या होना चाहिए। एक्चुअली स्टिक वन्स नेक आउट का स्टूडेंट मतलब होता है कि आप बहुत बोल्डली किसी बात को कह रहे हो, या आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कह सकते हो कि आप किसी पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म थ्रो कर रहे हो, तो आप उस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हो, या आप बोल्डली कोई चीज की बात कर रहे हो, तो इससे आपको क्या लगता है कि आप रिस्क ले रहे हो? नो, कंप्लीटली नो। टू बी क्रिंज, नो, टू बी क्रिंज इज श्रिंक हो जाना, ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा टू बी वायलेंट, क्योंकि हम बोल्ड होने की बात करें, तो हियर सॉरी, सो हियर वी मीन स्टिक वन्स नेक आउट इज टू बी वायलेंट, राइट? अब देखो यहां पर आपको प्रॉब्लम क्यों हुई होगी आंसर को गैस करने में, इसीलिए हुई होगी क्योंकि आपके पास पॉइंट ये नहीं था, आपके पास पॉइंट ये नहीं था कि आगे सेंटेंस से आप मीनिंग अंडरस्टैंड करो, वो नहीं था, राइट? सो यर
थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ देखो इजी होगा. ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ इफ ही डज नॉट लीव हिज प्रेजेंट फ्रेंड्स. ग्रीफ का मतलब तो आप समझ रहे हो है ना, दुख. तो मतलब इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव हो सकता है. अगर वो अपने प्रेजेंट दोस्तों को नहीं लेगा तो फिर ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ. कम टू ग्रीफ का मतलब होता है बेसिकली मैं कहूंगी मिस कैरी, या फिर मैं कहूंगी टू फेस समथिंग, टू गो रॉन्ग, समथिंग गोज रॉन्ग. ठीक है, तो वो होता है. अब यहाँ पर गो रॉन्ग की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव वर्ड बात कर रहे हैं. एंजॉय तो नहीं हो सकता आंसर, गो अप टू एक्सट्रीम भी नहीं होगा आंसर. अडिक्टेड, ही विल सर्टेनली अडिक्टेड भी नहीं हो सकता, नो. तो ही विल सर्टेनली सफर. अगर वो अपने प्रेजेंट दोस्तों को नहीं छोड़ेगा तो फ्यूचर में उसको जरूर से सफर करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ अब देखो क्या हुआ. यहाँ पर हमने सेंटेंस के मीनिंग क्या, नॉट लीव इस पर, इसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वी ट्राई टू टेक अप द मीनिंग. लेकिन यहाँ पर तो आपके पास इसको समझने का कोई तरीका ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, फेवर में है अगेंस्ट है, यू डोंट नो. तो इस तरह से दो पैटर्न में आपको इडियम ऑफ फ्रेज का क्वेश्चन पूछा जाता है. एरर डिटेक्शन में भी आपको प्रेपोजिशनल एरर पूछ ले जाते हैं, कम इन ग्रीफ हो, लेकिन इडियम क्या होता है, कम टू ग्रीफ. तो इस तरह से एरर्स भी आ सकते हैं. तो ये दो तरह से है स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. अब मैं आगे आपके साथ ये कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी और कुछ सारे के सारे इडियम्स भी. देखते हैं जल्दी से दो और मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं. लिखा है हाई ऑन द हॉग. अब आप सेंटेंस को अगर पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है सेंटेंस. सेंटेंस सेज शी हैज बीन लिविंग प्रीटी हाई ऑन द हॉग सिंस शी वन द लॉटरी. कहने का अब लिविंग प्रीटी हाई वन द, अब भाई लॉटरी जीती है मतलब बहुत लैविश जिंदगी जी रही होगी राइट. बहुत ज्यादा पैसा हो गया होगा इसलिए वो इतनी खुश है या खुश होगी, या फिर बहुत पैसा उड़ा रही होगी, लैविश लाइफ जी रही होगी. ठीक है, तो हाई ऑन द हॉग मिस्चीवियस लाइफ नहीं, जॉयफुल लाइफ यस खुश हो सकती है, हार्श लाइफ तो नहीं, लग्जूरियस. अब खुश होगी या लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं मनी की, लॉटरी लगी है इसका मतलब लग्जूरियस लाइफ जी रही होगी. फिर से हमारे लिए आसान हो गया. आसान क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस इडियम का कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस से पकड़ लिया. तो इसी तरह कर सकते हो, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पकड़ लो, इडियम का आंसर मिल जाएगा. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय वेस्ट नहीं कर रहे आज हम, क्योंकि इडियम्स बहुत सारे हैं और हमें जल्दी जल्दी करना है. आई होप सब समझते जाएंगे इसके मीनिंग. आपके दिमाग में सेंटेंस आ रहा है इडियम्स बनाने का, आप कमेंट कर दीजिए. आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे सेंटेंस बना के बताइए. ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स. ऑलराइट, व्हिच अगेन मोटिवेट्स अस राइट. इफ यू आर मोटिवेटिंग अस इट विल बी ग्रेट. थैंक यू सो मच. ओके, सो रीडर्स आर एडवाइज टू टेक दिस इंफॉर्मेशन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. नाउ विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट होता है वैसे ही ग्रेन ऑफ सॉल्ट होता है. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि क्या आपके अनुसार यहां पर मीनिंग होगा विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ऑप्शन है टेकिंग समथिंग अंडर कंसिडरेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन प्राइवेसी, नॉट टेकिंग समथिंग टू सीरियसली, नॉट टेकिंग समथिंग ईजिली. टेकिंग समथिंग अंडर कंसिडरेशन इज इट, कह रहे रीडर्स आर एडवाइज टू टेक दिस इन्फॉर्मेशन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट राइट. ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू टेक अ स्टेटमेंट विद, इट मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज को बट स्केप्टिक हो. आप स्केप्टिक हो मतलब आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, मतलब आपने उस बात को हामी तो भर दी है बट मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक है. तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन प्राइवेसी, नो. नॉट टेकिंग समथिंग टू सीरियसली, नहीं. आपने सीरियसली तो लिया है तभी आप शक की निगाह से उसको देख रहे हो, आपने एक्सेप्ट किया. Not taking something easily, आसानी से किसी चीज को नहीं लेना. Take something under consideration, exactly. आप consideration में ले रहे हो, आप skeptic हो इसलिए आप उसे consider कर रहे हो, है ना. तो
अब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, लेकिन कंसिडरेशन वर्ड हमें दिख रहा है कि हम जब डाउट स्केप्टिक की बात करें, मतलब हम उसे कंसिडर कर रहे हैं, हम किस तरह से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, सो हाई ऑन द हॉग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, स्टिक वंस नेक आउट कम टू ग्रीफ, सफर होता है. स्टिक वंस नेक आउट टू बी वायलेंट, हाई ऑन द हॉग लग्जरियस लाइफ विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. किसी चीज को एक शक की तरह एक्सेप्ट करना, शक के साथ, थोड़े शक के साथ एक्सेप्ट करना. अब आ रहा है बैक सीट ड्राइवर. नाउ बैक सीट ड्राइवर, स्टूडेंट्स आप देखो, बैक सीट ड्राइवर मतलब ड्राइवर तो आगे बैठता है, पीछे थोड़ी, लेकिन बैक सीट ड्राइवर कौन है? अच्छा आप देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, पीछे हमारी अगर मदर्स बैठी हैं, मदर बैठी हैं, ग्रैंड मदर बैठी हैं, तो वो क्या करती हैं, हमें एडवाइस करती रहती हैं कि स्पीड ऐसी होनी चाहिए, अब रेस देनी है, अब ब्रेक लगाओ, बाजू देखो, इधर देखो, ये हमें एडवाइस देते रहते हैं. राइट, तो वो होता है बैक सीट ड्राइवर का काम. समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, समवन हु गिव्स अननेसेसरली जो आपको एडवाइस करता रहता है, उसको बैक सीट ड्राइवर कहते हैं. कुछ आपके फ्रेंड्स, जैसे आपका ग्रुप है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको अनवांटेड एडवाइस देता रहता है, और आप उसको कह सकते हैं दैट यू आर अ बैक सीट ड्राइवर. राइट, यू कैन यूज इट दैट वे. ओके, सो टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ, ब्रैग करना मतलब अपनी वाहवाही करना, अपनी बड़ाई करना, उसको हम कहते हैं टू ब्रैग. ठीक है, फिर है गो डच. ना ये तो आपने, अब फिर से मैं कहूंगी, अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, अपने कलीग्स के साथ, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, आप कलीग्स के साथ बाहर जाते हो, लंच पे, डिनर पे, एनी सच प्लेस, तो यू पीपल माइट मस्ट और आई मस्ट से यू पीपल माइट बी गोइंग डच अबाउट थिंग्स. गो डच इज कि आप जो जो भी एक्सपेंस है या जो भी आप पैसा वहां पर स्पेंड कर रहे हो, आप उसे डिवाइड कर लेते हो, बांट लेते हो. ठीक है, आप उसे डिवाइड कर लेते हो एक आपस में, शेयर मतलब टू शेयर, शेयर एक्सपेंस, शेयर एंड एक्सपेंस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए खर्च हुए, तो और आप 5 लोग हैं, तो 5 लोगों ने 200 200 ईच वहां पर पे कर दिया, दैट मीन्स यू गॉन डच. ठीक है, सो दैट इज टू गो डच. सो पेइंग लेस, नो. पेइंग टू मच, नो. ईच पर्सन पेइंग हिज ओन एक्सपेंस, यस. सब अपने हिस्से का पैसा वहां पर पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू गॉन डच. ठीक है, सो देखो ये इंपॉर्टेंट इडियम्स क्यों है, बिकॉज आपके सेंटेंसेस में यूज होते हैं. इस तरह से आपको टेंस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेनी अ टाइम्स. जब मैंने एक सेशन में इस पे कर रही हूँ, एक सेशन मैंने और किया था ऑन आई गेस फिलर्स. मैं क्यों रिकॉर्डेड सेशन किया इस पर, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट अ टाइम. रिकॉर्डेड इसलिए है ताकि इसमें क्या होता है, आपने सिर्फ सुनना है, आपने मीनिंग समझना है, आपने उसके अपने दिमाग से सेंटेंसेस बनाने हैं, इसलिए मैंने ये सेशन रिकॉर्डेड रखा है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन आपके लिए पीडीएफ बनाने में और चीज़ें करने में, ताकि आपके लिए और हम इनपुट्स कर पाएँ. ठीक है, आई होप आप सब भी अपना एफर्ट इसमें दे रहे हो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट, IBPS क्लर्क, स्टे अप, स्टे मोटिवेटेड, डू वेल, बी पैशनेट. मैं हमेशा कहती हूँ बी पैशनेट ऑफ योर गोल, दिस इज वॉट योर गोल इज एज ऑफ नाउ, बी पैशनेट अबाउट इट, बी पैशनेट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हमने बात कर ली बैक सीट ड्राइवर की, हमने बात कर ली गो डच की. अगला हमें दिया है अंडर अ क्लाउड एंड येलो प्रेस. स्टूडेंट्स अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन. सस्पिशन का मतलब डाउट, शक में होना, किसी चीज पे शक करना, दैट इज अंडर अ क्लाउड. सिमिलरली एक इडियम होता है अंडर द वेदर, आर्टिकल का एरर बन जाता है इसमें, इस इडियम में द आता है, इसमें अ आता है. अंडर द वेदर मतलब टू बी इल, बीमार होना. ठीक है, अंडर द रॉक का मतलब टू बी अनअवेयर ऑफ थिंग्स, किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना, उसे अंडर द रॉक कहते हैं. ठीक है, तो यहां पर मैंने सेंटेंसेस भी आपको दिए. हिज सीक्रेट कनेक्शंस विद द स्मगलर्स हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड, शक के घेरे में ले आया, क्योंकि वो किसके साथ डील कर रहा था, स्मगलर्स के साथ डील कर रहा था.
Right. So that is what under a cloud means. Under the weather, yaad rakho. Under a rock, yaad rakho. Under a rock is to be unaware of things. किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना. उसके बाद आते हैं हम अगले idiom पे, वो है yellow press. अगर आपको येलो से या अंडर अ क्लाउड, जैसे मैंने कहा अंडर द वेदर, अंडर अ रॉक, अंडर अ रोज भी होता है. स्टूडेंट्स, अंडर अ रोज क्या होता है? अंडर अ रोज होता है सीक्रेटली, छुप छुपा के कोई काम करना. तो आपको अगर इससे संबंधित और इडियम्स आ रहे हैं, अंडर अ रोज, अंडर और भी, तो आप कमेंट करके हमें बताते जाइए. आपके और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं साथ के साथ, जो लोग, उनको हेल्प होगी एंड दे'ल गो थ्रू व्हाट यू कमेंटेड, राइट? ऐसे ही आप साथ के साथ मुझे येलो से और इडियम्स बता सकते हो, ठीक है? या फिर वाई लेटर से कमेंट करके बताओ. येलो प्रेस, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा भी है. येलो प्रेस इज न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज. सेंसेशनल से यहाँ मतलब है कंट्रोवर्शियल न्यूज. जो कंट्रोवर्शियल न्यूज आती है, जो सेंसेशनल न्यूज आती है, जिसे आप हॉट पोटैटो कहते हो, ये भी एक ईडियम है. हॉट पोटैटो, इस ईडियम का मतलब है कंट्रोवर्शियल न्यूज या एक कोई ऐसा मुद्दा, चर्चा का विषय, ठीक है, उसे कहते हैं हॉट पोटैटो. तो येलो प्रेस एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि, ऐसे न्यूज़पेपर को कहा जाता है जो कि बहुत ही सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ छापते हैं. इन रीसेंट टाइम्स देयर इज अ स्पर ऑफ सेंसेशनल न्यूज़पेपर मेकिंग येलो प्रेस पॉपुलर. स्पर मतलब एक लहर चल पड़ी है, ठीक है, फ्लो है, ठीक है, फ्लरी ऑफ कह सकते हो आप, ठीक है. That is what spur of sensational newspaper. और yellow press वहाँ पर use किया गया है, ठीक है, जो कि येलो प्रेस को popular कर रहे हैं. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं. अंडर अ क्लाउड हो गया, येलो प्रेस हो गया. आप कॉमेंट करके साथ साथ बताते जाओ स्टूडेंट्स. पूरा फोकस, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग, और स्ट्रेट फोकस होना चाहिए बस आपका आपके काम पर. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले idioms देखते हैं. रेस्ट ऑन वन्स लॉरल्स. लेस रेस्ट ऑन वन्स लॉरल्स मीन्स कंप्लेसेंट और सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब खुश रहना. या मैं कहूंगी संतुष्ट होना, किसी चीज से संतुष्ट रहना, खुद से संतुष्ट होना, दैट इज वॉर रेस्ट ऑन वन्स लॉरल. लेकिन यू डोंट हैव टू रेस्ट ऑन योर लॉरल्स. वाई? बिकॉज आपने अभी बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है. अगर आप एम्बिशियस हो तो यू कैन नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, बिकॉज आप और ज्यादा करने की कोशिश करो. सैटिस्फाइड, ऐसे सेल्फ सैटिस्फैक्शन इज गुड, बट देन बी एम्बिशियस, बी पैशनेट अबाउट थिंग्स. सो एम्बिशियस पर्सन्स नेवर रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स बिकॉज दे ड्रीम ऑफ अनएंडिंग अचीवमेंट्स. वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं. अचीवमेंट के लिए एक वर्ड ले सकते हो फीट. फीट को भी कहा जाता है एक मुश्किल से पाई हुई जीत, ठीक है, दैट इज फीट. सो रेस्ट ऑन वन्स लॉरल्स इज कंप्लेसेंट और सेल्फ सैटिस्फाइड. फिर है हमारे पास क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट. ये लेटर, ओ सॉरी, ये वर्ड मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट वर्ड है, मैं बहुत बार यूज करती हूँ क्विक्सोटिक. क्विक्सोटिक वर्ड आया है डान क्विक्सोट से. ये मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ. डान क्विक्सोट एक मिलिट्री लीडर थे, मैं कहूँगी हेड थे, ऑफिसर थे, जो कि एक टीम को लीड कर, एक पूरी फौज को लीड कर रहे थे. और उनके जितने भी मैं कहूँगी प्रोजेक्ट्स होते थे या जितने भी आइडियाज होते थे जंग वॉर के या किसी भी चीज़ के, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होते थे. ऐसे होते थे जो, जिनको एक्चुअली रियलिटी में पॉसिबल करना संभव नहीं है, जो फीजिबल नहीं है, ऐसे उनके आइडियाज़ और थॉट्स होते थे. इसीलिए उनके नाम से ही आया वर्ड क्विक्सोटिक. क्विक्सोटिक मीन्स समथिंग दैट इज इम्प्रैक्टिकल. और क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट को कहा जाता है फूलिशली आइडल, मतलब जिसको करना संभव नहीं है, जो फीजिबल नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट फीजिबल. Being not worldly wise, he wasted his money in quixotic projects. ऐसी चीजों में पैसा लगा दिया जो कि मतलब बेकार है, वेस्ट है, sheer waste is. That is what quixotic project is. So rest on one's laurels and quixotic project. Again, two important and good, great idioms. I hope समझ गए हैं सब, right?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सॉरी, नेक्स्ट. ओके, अब हमारे पास है लीप इन द डार्क, फिर है कट द मस्टर्ड, फिर है नॉट अ स्पार्क ऑफ डीसेंसी. सिंपल सिंपल इडियम्स है यहाँ पर. लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, जानकर, जानते हुए, सब कुछ जानते हुए आप अंधेरे में कूद गए, मतलब आप जानबूझकर रिस्क उठा रहे हो. सो लिखा है यू मस्ट नॉट लीप इन द डार्क बाय एंटरिंग द बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस. भाई बिना एक्सपीरियंस के कोई काम करना ऑब्वियस है कि आप जानकर कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो. सो डू नॉट लीप इन द डार्क एनीवेज. ठीक है, वैसे रिस्क लेना ही होता है लाइफ में, रिस्क के बिना काम नहीं है. बट यस, स्टिल बी अवेयर ऑफ थिंग्स. ओके, कट द मस्टर्ड टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस. जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर आप खरे उतरे, विच मीन्स यू कट द मस्टर्ड. ठीक है, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस. कम अप और लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस इज दैट यू कट द मस्टर्ड. ओके, फिर हमारे पास नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी. ये तो इडियम बहुत ही क्लियर मीनिंग दे रहा है कि आप में डिसेंसी की कोई स्पार्क नहीं है, मतलब आप में मैनर्स नहीं है. सो रेफर्स टू समवन हु हैज नो अ वेरी रूड मैनर्स, जो कि थोड़ा सा एटिकेट में जिसके साथ प्रॉब्लम है. दैट पर्टिकुलर पर्सन को हम कह सकते हैं दैट ही इज समवन हु हैज who doesn't have a spark of decency, not a spark of decency he has. इस तरह से हम उनको शन कर सकते हैं, right? तो देख रहे हो, idioms ऐसे हैं जो आप day to day life में use कर सकते हो, आप बात करते वक्त बोल सकते हो. filtered idioms है. ये सारे idioms आपको बहुत help करेंगे students, आपके exams के perspective से भी और daily life के perspective से भी. देखते हैं आगे क्या है. Okay. तो कोल्ड टर्की का मतलब होता है अगला idiom, जो इसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसा काम जिसमें आप addictive थे, जिससे आप obsessed थे, जिसकी आपको बहुत लत लगी हुई थी, वो आपने एंड कर दिया, क्विट कर दिया, उसको हम कहते हैं गो कोल्ड टर्की. राइट, तो अच्छा है आपको बुरी आदत से अगर दूर जा रहे, दैट इज रियली गुड. तो उसको हम कहते हैं गो कोल्ड टर्की. दैट इज टू सडनली क्विट और स्टॉप अडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर सच एज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल. इस तरह की कोई आदत या इससे भी बुरी आदत या थोड़ी कोई भी बैड हैबिट, ठीक है, उसकी बात करें. फिर हमारे पास है टू हैव स्टिकी फिंगर्स, विच मीन्स कि आप सबने एक वर्ड सुना होगा क्लेप्टो, क्लेप्टोमेनियक. ये एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको चोरी करने की आदत होती है. तो भाई अगर यू हैव प्रोपेंसिटी इंक्लिनेशन, चोरी करने की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, आप क्लेप्टोमेनियक हो, विच मीन्स यू हैव स्टिकी फिंगर्स, चोरी करने की आदत है आपको. ठीक है, उसकी बात होती है ये. फिर हमारे पास है टू बाइट द बुलेट. आई गेस इजी इडियम्स हैं, सारे समझ आते जा रहे हैं. टू बाइट द बुलेट स्टूडेंट्स, ये हम पॉलिटिशियंस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल्स में यूज होते रहते हैं. आप पढ़ते हो अगर आर्टिकल्स, तो आपको मिलेंगे. टू बाइट द बुलेट का मतलब होता है कुछ ऐसा काम. देखो बुलेट हार्ड होता है, इतना आसान नहीं. अगर आप उसे बाइट कर रहे हो, मतलब आप कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क कर रहे हो, कुछ बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हो. टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर. किसी चीज से जिससे आप भाग रहे हो, जिसे आप पुट ऑफ कर रहे हो, वो चीज करना, तो उसको आप कहते हो टू बाइट द बुलेट. फॉर एग्जाम्पल, आप वोकैबुलरी सीखने से भाग रहे हो, वोकैबुलरी पे काम करने से भाग रहे हो, या अपनी इंग्लिश पे काम करने से भाग रहे हो और आपको लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो विच मीन्स आप उस पर काम करते हो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, विच मीन्स यू बिट द बुलेट. ठीक है, यू हिट द बुलेट, यू बिट द बुलेट, बोथ वेज इट कैन गो. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगले इडियम्स देखते हैं. अगले इडियम्स हमारे पास तीन हैं. फुट इन द डोर, गो ग्रेट गन्स, डेड इन द वाटर. फुट इन द डोर, भाई ये इडियम तो जो हमारे यहाँ एक गृह प्रवेश की प्रथा है, उस हिसाब से मान लो भाई, फुट एक पैर अंदर, चरण रखा, मतलब नई चीज की शुरुआत हो गई. तो स्मॉल बट गुड स्टार्ट विद अ पॉसिबिलिटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, दैट इज वॉट फुट इन द डोर इज. जैसे ही फुट इन द डोर, अब आपके दिमाग में ये इमेज आना चाहिए, दरवाजा और आपका पैर, ठीक है, जहां पे आप गृह प्रवेश कर रहे हो.
लिखा है विद कस्टमर्स कमिंग इन हिज न्यू वेंचर हैज गॉट अ फुट इन द डोर। भाई आपने कोई नया शोरूम खोला, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, अब कस्टमर्स आने लगे, मतलब इट्स अ फुट इन द डोर फॉर यू। अब एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हो गई है, ठीक है, तो उसको फुट इन द डोर कहते हैं। गो ग्रेट गन्स, भाई जैसे ही मैं गो ग्रेट गन्स बोल रही हूँ, ये एक पॉजिटिव फील दे रहा है, एक वाइब्रेंट फील दे रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव या वाइब्रेंट फील जब मिलती है, विच मीन्स इट इज बीइंग सक्सेसफुल, समथिंग बीइंग सक्सेसफुल इज गो ग्रेट गन्स। राम्स प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम्स इज गोइंग ग्रेट गन्स, मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, दैट इज वॉट इज गोइंग ग्रेट गन्स। ही स्कॉर्ड 90% मार्क्स इन द प्रैक्टिस टेस्ट। तो यस, आपको भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट देना है अपने आप को जज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। IBPS क्लर्क आप में से काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आई गेस सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो ग्रेट गन्स, टू बी सक्सेसफुल, ओके। तो जैसे ही आप गो ग्रेट गन्स बोलते हो, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, वाइब्रेंट हो जाना चाहिए, याद रखना चाहिए किसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। फुट इन द डोर से इमेज आ जानी चाहिए, डेड इन द वॉटर, भाई डेड से याद रखो, एंड डेड इन द वॉटर मतलब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। तो सब खत्म हो गया मतलब प्लान अ प्रोजेक्ट दैट हैज सीज्ड टू फंक्शन, सीज्ड मतलब स्टॉप, सीज्ड टू फंक्शन एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रीएक्टिवेटेड इन फ्यूचर, दोबारा से एक्टिवेट कभी नहीं होगा फ्यूचर में, खत्म हो गया, उसको कहते हैं डेड इन द वॉटर। मैं इतना एम्फोसाइज करके क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाए, एक एक चीज बैठ जाए, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, रिवोल्ट मतलब ये जो एक कहते हैं ना, एक बैकफायर आ रहा है, ठीक है, रिवोल्ट जंग, द प्लान टू गेट द FDI इन वेरियस सेक्टर्स इज नाउ डेड इन द वॉटर, मतलब इट हैज सीज, इट हैज एंड, ये जो प्लान था ये खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि रिवोल्ट आ रहा है सिविल सोसाइटी से, तो जो हम FDI को हर सेक्टर में पहुंचाने की सोच रहे थे वो हमें एंड करना पड़ेगा, वो प्लान अब इट इज डेड इन द वॉटर, खत्म हो गया। तो ब्रेन में ये कीवर्ड्स बैठ जाने चाहिए, वाइब, ये पिक्चर, डेड से डेड इन द वॉटर याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है फ्लाइंग स्टार्ट। फ्लाइंग स्टार्ट मतलब भाई कोई चीज की शुरुआत की और आप उड़ने लगे, मतलब सक्सेसफुल हो जाना, इमीडिएटली सक्सेसफुल हो जाना, समथिंग दैट इज इमीडिएटली सक्सेसफुल, तुरंत आप सक्सेस मिल जाए किसी चीज में, दैट इज यू गॉट अ फ्लाइंग स्टार्ट। तो द फिल्म गॉट अ फ्लाइंग स्टार्ट, और द फिल्म हिट द बॉक्स ऑफिस विद अ फ्लाइंग स्टार्ट एंड कलेक्टेड द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑन डे वन, मतलब जैसे ही रिलीज हुई वैसे ही वो सक्सेसफुल हो गई फिल्म, ठीक है। आपने कोई मूवी देखी, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मूवीज रिलीज हुई है, उनमें सम एनी ऑफ द मूवी विच हैज गॉट अ फ्लाइंग स्टार्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज मेक अ गो ऑफ, मेक अ गो ऑफ का मतलब होता है सक्सीडिंग इन योर एंटरप्राइज, कोई आपने नया वेंचर किया, कोई नया आइडिया लॉन्च किया, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, विच मीन्स यू मेड अ गो ऑफ, ठीक है। विद हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये दोनों चीज कंपेटिटिव एग्जाम्स में जरूरी होते हैं, हार्ड वर्क भी और डेडिकेशन भी, दोनों चाहिए आपको। ही हैज मेड अ गो ऑफ हिज न्यू वेंचर, सक्सेसफुल हो गए वो, ठीक है। तो दैट इज वॉट मेक अ गो ऑफ इज। फिर हमारे पास गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब कि अब आपको लग रहा है कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना कि आप पहले थे, गेटिंग कंपेरेबली लेस सक्सेसफुल देन बिफोर, मतलब अब आपको लग रहा है कि आपका सक्सेस रेट जो है वो गिर रहा है, वो गिरावट आ रही है, वो बढ़ नहीं रहा, गिर रहा है, पहले बहुत तेज था सक्सेस रेट और अब वो गिरता जा रहा है। विद द न्यू करप्शन स्कैम्स अनवीलिंग एवरी डे, अनवीलिंग मतलब डिस्क्लोजिंग एवरी डे, द कंट्री इज गोइंग टू डॉग्स, गोइंग टू डॉग्स मतलब इट इज नॉट मच सक्सेसफुल जैसे कि पहले था, सक्सेस रेट कंट्री का गिर रहा है करप्शन की वजह से, एग्जैक्टली, यस दैट्स ट्रू, राइट। तो आप ये सब आर्टिकल्स में यूज कर सकते हो, गो टू द डॉग्स आप यूज कर सकते हो, जैसे हम करप्शन स्कैम्स की बात करें इसको क्यों नहीं यूज कर सकते, इस सेंटेंस को वहीं से उठाया गया है, ठीक है। फ्लाइंग स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं किसी प्लान या प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो, ठीक है। तो डिफरेंट एडिटोरियल्स कैन हैव डिफरेंट फ्रेजेस,
All right, let's move to next. Next हमारे पास go up in smoke. Go up in smoke का students मतलब होता है कोई चीज जो धुआं धुआं हो गई या मतलब नतीजे पे पहुंचने के पहले ही सब खत्म हो जाना. Something that ends before getting a result. नतीजे पे पहुंचने के पहले ही सब कुछ क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको कहते हैं go up in smoke. With a vigilant police force, vigilant मतलब cautious या फिर सतर्क जिसे आप हिंदी में कहते हो. Police force around the town, the plan of anti-social elements to cause chaos went up in smoke. मतलब धुआं धुआं हो गया उनका plan क्योंकि पुलिस बहुत ही सतर्क थी. जो भी plan था anti-social elements का वो सब खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए, वो नतीजे तक नहीं पहुंचा. That's good. So this idiom is again good. फिर लिव ऑन द ब्रेड लाइन, ब्रेड से याद रखो, ब्रेड एंड बटर कहते ना हम एक इन बेसिक जो नीड्स होती हैं, तो ब्रेड लाइन को आप इनकम से रिलेट करोगे. लिव ऑन द ब्रेड लाइन मतलब हैविंग वेरी लिटिल इनकम, बहुत कम आय होना, उसको आप कहते हो लिव ऑन द ब्रेड लाइन. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैज लेफ्ट मैनी पीपल ऑन द ब्रेड लाइन, मतलब पार्टीशन की वजह से बहुत से लोग दे आर लिविंग ऑन द ब्रेड लाइन, उनकी इनकम में बहुत फर्क आया है कि कुछ लोग जो पार्टी इधर थे उनकी चीज़ें उधर रह गई, कुछ इधर थे जिनकी चीज़ उधर रह गई. तो येस दे आर सफरिंग अ लॉट, दे हैव वेरी लिटल इनकम, विच मीन्स दे आर नाउ लिविंग ऑन द ब्रेड लाइन. ओके, सो अगेन अ गुड idiom. फिर हमारे पास लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये तो बहुत भारी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आए, जब भी इलेक्शन तक कोई जीतता है तो ये idiom बहुत बार यूज होता है. आपने भी यूज किया होगा या अगर आप न्यूज सुनते रहते इलेक्शन के टाइम, नॉट आज तक एंड ब्ला ब्ला स्टफ, बट दूसरे अगर आप चीज़ें सुनते हैं न्यूज, तो आपको ये idiom यूज में किया हुआ बहुत बारी मिल जाएगा when they talk. सो इट्स लैंडस्लाइड विक्ट्री इज, जब इलेक्शन में कोई एक कैंडिडेट जीतता है उसकी जीत को लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाता है, मतलब बहुत बुरी तरह से दूसरे को पछाड़ देता है जब वो. ओवरवेलमिंग विक्ट्री रिसीव बाय अ कैंडिडेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एट एन इलेक्शन, जब वो इलेक्शन में जीते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा लिखा है, विद अ विन ऑफ मोर देन, ऑफ नहीं आएगा ये वाला, ऑफ नहीं आएगा, विद अ विन ऑफ मोर देन 40% सीट्स इन द फर्स्ट टू आवर्स ऑफ काउंटिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, विच मीन्स वो सक्सेसफुल हैं. वो लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब गुड समथिंग, मतलब जीत जाना, ठीक है, विक्ट्री. सो दीज थ्री idioms आर अगेन गुड, आई गेस आपको समझ आ गए हैं. अभी हम बहुत सारे idioms कर चुके हैं, आई होप आप सब इन सबको भूलेंगे नहीं. ऑल ऑफ दीज idioms आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वी डूइंग इट. फिर है हमारे पास लेट स्लिप थ्रू फिंगर्स, भाई स्लिप और फिंगर, हाथ से रेत का फिसल जाना, मतलब सभी हमारे हाथ से जा रहा है, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जा रही है. फेलिंग टू ऑब्टेन और कीप अप अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप उसको लेट गो कर दिया, आपने अपॉर्चुनिटी को लेट गो कर दिया, मतलब लेट स्लिप थ्रू फिंगर्स. This opportunity can be your breakthrough in the industry. Don't let it slip through your fingers. मतलब उसे आसानी से जाने मत दो, होल्ड करके रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, चांस अच्छा है, मौका अच्छा है, लेकिन अगर आप मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इसका मतलब you've let slip through the fingers. अगला idiom है हमारे पास rags to riches, ये तो ऐसे ही समझ जाओ. rag का मतलब वो जो बोरा होता है, गंदा सा बोरा, उसको rag कहते हैं. riches तो अमीर, तो rags from poor to rich, अमीर से गरीब तक की जर्नी. becoming very rich while starting very poor, मतलब आप बहुत गरीबी से शुरू किया लेकिन आपने हार्ड वर्क किया, आपने determination दिया, तो आप बहुत prosper कर गए और आप अब बहुत अमीर हो गए, ठीक है, दैट इज वॉट इट इज rags to riches. फिर हमारे पास ऑन द पिग्स बैक, इस फ्रेज को तब यूज करते हैं जब कोई चीज या कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, जब वो बहुत ही अच्छे स्थिति में हो, सक्सेसफुल हो, वेल सिचुएशन हो, कोई अच्छी सिचुएशन में है, अच्छी स्थिति में है, सक्सेसफुल है, तो उस चीज को हम कहेंगे ऑन द पिग्स बैक. For example, the tourism in the state was on the pig's back before the terror attacks hit the capital. जब तक terror attacks नहीं हुए, तब तक tourism pig's back पर था, मतलब एक अच्छी स्थिति में था, बहुत successful हो रहा, चल रहा था tourism, tourism से बहुत पैसा आ रहा था, तो उसको हम कह रहे हैं on the pig's back.
ठीक है. तो ऑन द पिग्स बैक इज रेफर्स टू अ पर्सन और सिचुएशन और थिंग विच इज इन सक्सेसफुल और वेल स्टेट, गुड स्टेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला idiom. ओके, ये हमारा आज लास्ट idiom है आज के लिए, विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज मर्फीज लॉ. मर्फी आपने सुना भी होगा, आपने यूज भी बहुत बारी किया होगा. मर्फीज लॉ का मतलब होता है इफ समथिंग हैज टू गो रॉन्ग, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, इट विल. अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो वो होगी ही, आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट डोंट फॉरगेट द मर्फीज लॉ, क्योंकि कोई चीज अगर गलत होनी है तो वो होगी ही. तो ये idiom तो यूज हो सकता है आर्टिकल्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा idiom है, सेंस भी लॉजिक है इसमें. तो जितने idioms अभी हमने किए, ऑल ऑफ दीज idioms प्रैक्टिस करो, सेंटेंसेस बनाओ, भूलो मत, रिवाइज करो, और रिसोर्सेज से और idioms पढ़ो. आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टॉप हियर, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. और प्रैक्टिस कीजिए सारा कुछ, इन सारे idioms के अलावा भी और idioms को प्रैक्टिस करो. जैसे मैंने कहा, रिलेट करो चीज़ें, जैसे मैं आपको कह रही लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे आर्टिकल में आ सकता है, या फिर ये डेड इन द वाटर कैसे याद रखना है, गो ग्रेट गन्स कैसे याद रख. तो इनको याद रखो, चीज़ों को याद रखो, एंड डू वेल एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में, टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच.